ये ऐप अपने फर्ज की बिल्कुल नई ऐप है। ऑल्दो पाकिस्तान में पायलट हो रही है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल पाकिस्तान में, मगर ये पूरी ग्लोबल, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल ऐप, इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी ऐप। जितना मैं कमा कर आई, जितना भी मैंने, मेरी जो भी सेविंग थी वो मैं इसी प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ। उसके बाद बल्कि मैंने एक और भी, मैं एक टीम में थी जिसने एक और कंपनी स्टार्ट की जिसमें मैं फिर ग्लोबल स्ट्रेटजी वगैरह देख रही थी, उसमें भी जितना भी मैंने कमाया वो मैं इसी कंपनी में लगा रही हूँ। इस कंपनी में इस वक्त ज़्यादा लग रहा है और मैं जितना भी लगा रही हूँ बहुत अपने उस काइंड ऑफ बूटस्ट्रैप हमने किया है बिल्कुल जज्बे के साथ। मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ये नहीं है कि ओ माय गॉड जो भी कमाया, जो भी सेविंग थी सारी इधर लग गई, अब क्या होगा। अभी हमारी जो टीम है वो माशाल्लाह 18 लोगों की है, उसके बाद इंटर्न्स आते रहते हैं तो 18 से 25 26 होती रहती है बेस्ड ऑन द इंटर्नशिप, और फुल टाइम लोग जो है वो 17-18 हैं। ये ऐप अपने तर्ज की बिल्कुल नई ऐप है। ऑल्दो पाकिस्तान में पायलट हो रही है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल पाकिस्तान में, मगर ये पूरी ग्लोबल, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल ऐप, इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी ऐप। तो बीइंग पायलटेड इन पाकिस्तान, कंप्लीट इन हाउस डेवलपमेंट टीम और उसके अलावा मार्केटिंग टीम है, कुछ इम्पैक्ट जो NGOs के साथ डील करते हैं वो सारे, जो काइंड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है वो है हमारे पास, लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, तो ऑल इन ऑल 18 लोग हैं, काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी मेहनती हैं। इवेंट्स में चली गई, वहाँ पे शीट मिल गई एज अ गेस्ट, एज अ कभी जज में चली गई, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के साथ काफ़ी काम करती हूँ। मैं ओपन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, जो कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों ने जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की कहीं पे भी दुनिया में, वो ओपन के अंदर मेंबर्स होते हैं। 350 मेंबर्स हैं, जो एग्जिट्स हम कर चुके हैं $12 बिलियन की हैं इन मेंबर्स की। तो मैं उसके ओपन की लाहौर चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ, और उसके अलावा मैं एक अल्पलार कंसल्टिंग, मेरी एक और कंपनी है जहाँ पर मैं कंपनीज़ को, स्टार्टअप कंपनीज़ को या दूसरी इस्टेब्लिश कंपनीज़ को भी उनकी सेल्स स्ट्रैटेजीज़ पे, पार्टनरशिप्स वगैरह पे कंसल्टिंग करती हूँ, स्टार्टअप्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो ये उसी के हवाले से, जब मैं किसी फंक्शन में इनवाइट होती हूँ या कहीं पे कोई स्पीच जाके दे दी या कुछ, तो उसके फिर ये उससे रिलेटेड है।